दीपावली छठ सहित आगामी पूजा त्योहारों के अवसर पर यात्रियों को होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधा के लिए कई विशेष गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कुल 64 ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे के सिस्टम से होकर जा रही हैं। गोरखपुर से विभिन्न शहरों के लिए 16 ट्रेन चलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न होने पाए। CPRO पंकज कुमार सिंह ने सभी यात्रियों से अपील किया है कि यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको बता दें कि पूजा स्पेशल ट्रेन में गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल गोरखपुर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 5-12-19 नवम्बर को तथा लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 7-14 एवं 21 नवम्बर को 3 फेरों के लिए चलाई जाएंगी। इन गाड़ियों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे तथा इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को COVID-19 मानकों का पालन करना होगा। इसके अलावा अन्य पूजा स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं। सभी गाड़ियां आरक्षित श्रेणी की होंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, सर त्यौहार करीब है, दीपावली भी है, छठ भी है, इसके लिए क्या स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं? दीपावली और छठ पर जो भीड़ बढ़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों में अस्थायी कोच भी लगाए हैं और लगातार जो स्पेशल ट्रेनें हैं उनकी घोषणा की जा रही है। अभी तक अगर बात करें तो कुल 64 ट्रेनें ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के सिस्टम से होकर जा रही हैं। सभी यात्रियों से अपील है कि इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन ले सकते हैं। लगातार हम लोग इसका नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज, ट्विटर पेज और मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये जानकारी अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर से विभिन्न शहरों के लिए जैसे कि चंडीगढ़ के लिए, हटिया के लिए, दिल्ली के लिए, अर्नाकुलम के लिए, हैदराबाद के लिए, लोकमान्य तिलक के लिए और मुंबई की 3-4 गाड़ियाँ गोरखपुर से चल रही हैं। टोटल गोरखपुर से 16 ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं। अलग अलग डेट्स में हैं ये ट्रेनें। इन ट्रेनों की जानकारी आपको NTES के माध्यम से या 139 के माध्यम से कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। लगातार प्रेस मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी ये चीज़ें जा रही हैं। सभी यात्रियों से अपील है कि यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, साथ ही साथ जो हैंड हाइजीन है उसका ध्यान रखें, मास्क लगाएं। मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क ना लगाने की दशा में पेनल्टी का भी प्रोविज़न है और आपकी यात्रा मंगलमय हो। आरक्षित और आरक्षित ट्रेनों में भी कुछ परिवर्तन हुआ, इसमें ट्रेनें चल रही हैं? नहीं, अभी जो ट्रेनें चल रही हैं सभी आरक्षित श्रेणी से ही चल रही हैं। सभी कोच इसमें आरक्षित श्रेणी के ही लगाए जा रहे हैं। जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेनों के तौर पे चलाई जा रही हैं, उसमें UTS से टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। बट जो ट्रेनें एक्सप्रेस हैं, मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, वो सभी अभी आरक्षित श्रेणी से ही पूर्वोत्तर रेलवे पर चल रही हैं।